अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी एफ डी रिपेयरिंग लैब। तो बहुत से फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जो है वो डेल्टा वी एफ डी के बारे में बताएं कि उसको कैसे मल्टीमीटर के साथ कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उसका मॉड्यूल और ब्रिज रेक्टिफायर सही है या ख़राब है। तो ये मेरे पास एक डेल्टा का वी एफ डी पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं, इसकी नेम प्लेट भी देख लें। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर भी है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, मैंने दूसरे भी एफडी के बारे में भी बताया था कि कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जो अपना मल्टीमीटर है उसको डायोड पे सिलेक्ट करना है। ये डायोड का निशान है, यानी कि सिंबल है। इसको डायोड पे सेट करने के बाद इसकी दो वायर होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ब्लैक और रेड। तो ब्लैक जो है कॉमन होती है और ये पॉजिटिव होती है। तो ये इसके पहले कनेक्शन देख लें डेल्टा वी एफ डी के। ये अर्थ का पॉइंट है, ये आर एस और टी। ये पॉजिटिव का सिग्नल यानी कि जंपर है, यानी कि पॉजिटिव जो बस बार डीसी बस बार है उसके दो जंपर हैं। ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव को आपस में जंपर किया हुआ है। ये नेगेटिव का है कनेक्टर। ये ब्रेक के लिए, यानी ये यू V और W और फिर ये अर्थ। तो आपको करना क्या है, आपको चेक कैसे करना है कि आपका IGBT और रेक्टिफायर जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो सही है या ख़राब है, यानी कि डेड हुआ है, शॉर्ट हुआ है, कैसे पता चलेगा आपको। तो आपने करना क्या है, मल्टीमीटर की जो ब्लैक वायर है यानी ब्लैक केबल है उसको आपने पॉजिटिव पे लगा देना है। पॉजिटिव पे लगाने के बाद पहले आपने इसका रेक्टिफायर कंफर्म करना है। ये देख सकते हैं डायोड की वैल्यू आ रही है, इधर आर पे लगा हुआ है यानी L1 पे, इधर एस पे लगा हुआ है और इधर भी डायोड की वैल्यू आ रही है। इधर टी पे लगा हुआ है यानी L3 पे, तो फिर भी डायोड की वैल्यू आ रही है। अगर तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होगा तो फिर यहाँ पे शॉर्ट यानी 0-0 आ जाएगा या 65 या इतना 100 से कम आएगा, तो वो भी आपका IGBT या रेक्टिफायर, इसका जो रेक्टिफायर और IGBT है वो कंबाइन है यानी कि इकट्ठा है। तो अब आ जाते हैं UVW पे। ये देख सकते हैं डायोड की वैल्यू आ रही है, वी पे भी आ रही है, W पे भी आ रही है। तो ये हमारा पॉजिटिव के साथ जो है वो DC बस पॉजिटिव, उसके साथ हमारा रेक्टिफायर भी कंफर्म ओके है और मॉड्यूल भी ओके है। इसके बाद आपको करना क्या है, नेगेटिव के साथ चेक करना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वायर जो है मल्टीमीटर की नेगेटिव पे रख दें। तो ये देख सकते हैं डायोड और इधर R पे लगा हुआ है, इधर S, डायोड टी, डायोड इसी तरह मॉड्यूल यू, डायोड वी, डायोड W, डायोड। तो ये देख सकते हैं, ये आपका इसका मतलब है कि IGBT भी ओके है और ब्रिज रेक्टिफायर भी ओके है। तो फ्रेंड्स, अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर किसी चीज़ की वीडियो में समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।